हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रतीक और आप लोगों ने इसराइल पैलेस्टाइन के वॉर के बारे में सुना होगा कि 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसराइल की सबसे भयानक सी सुबह होती है। जैसे कि आप अपने घर पे सो रहे हो और सुबह के 6:30 बजे आपके सिटी पे 5000 रॉकेट्स की बरसात होती है। ये सुनने में ही खतरनाक है, बट इसराइल में ये हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये वॉर के बारे में एक बेसिक सी नॉलेज देता हूँ कि आपने ऑलरेडी ये वीडियोस देखे होंगे, इसराइल वर्सेस हमस या तो इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन। अब हम सबको मालूम है कि इसराइल एक कंट्री है, लेकिन फिर ये पैलेस्टाइन और हमस क्या है? देखो, हमस एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसे कुछ कंट्री आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन मानती है और कुछ कंट्रीज नहीं मानते। और रही बात पैलेस्टाइन की, वो ना तो कोई कंट्री है और ना ही कोई सिटी का नाम है। पैलेस्टाइन ये बहुत बड़ा रीजन है और यहाँ बीच में आप इसराइल देखोगे और जो दोनों बाजू में आप देख रहे हो वो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक है। ये दोनों भी पैलेस्टाइन की टेरिटरी है और पैलेस्टाइन के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। देखो, पैलेस्टाइन अभी तक तो कोई कंट्री नहीं है, लेकिन इसका खुद का फ्लैग है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैलेस्टाइन की टोटल पॉपुलेशन पूरी दुनिया में 14.3 मिलियन है, जिसमें से 9 मिलियन पॉपुलेशन तो सिर्फ इसी एरिया में है। आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हो कि कौन सी कंट्री में इनकी कितनी पॉपुलेशन है। अब आपको थोड़ी क्लियरिटी आई होगी कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में ऑलमोस्ट सभी पैलेस्टाइन ही रहते हैं और ये सब है ना हमस के अंडर आते हैं। आज के वीडियो में हम ये नहीं जानने वाले कि इसराइल में कितने लोग जख्मी है, कितने लोग मर चुके हैं, क्योंकि जस्ट 2-3 दिन पहले ये वॉर में 300 लोग मारे गए थे और आज के दिन तक ये 1300 का भी आंकड़ा पार हो चुका है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो जब तक तो ये नंबर्स और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन आज हम जानेंगे कि हमस ने आखिर इसराइल पे अटैक किया ही क्यों, इसके पीछे का मेन रीजन क्या था। तो सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट काफी पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। हमारे इंडिया के आजाद होने के टाइम से ये चलते आ रहा है। जब 29 नवंबर 1947 के दिन यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन 181 को मंजूरी दी थी। अगर आप गूगल पे सिर्फ रिजोल्यूशन 181 डालोगे ना, तो भी आपके सामने उस टाइम का एक फेमस नाम सामने आएगा, पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टाइन करके, जिसकी कोशिश थी कि पैलेस्टाइन को अरब स्टेट और जेविस स्टेट में बांट दिया जाए। आप ये देख सकते हो कि जो ऑरेंज कलर का हिस्सा है ये अरब स्टेट है और जो ब्लू कलर का हिस्सा है वो जेविस स्टेट है। अब देखो, अरब के लोग और जेविश के लोग दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अब तुम लोग में से कुछ लोगों को शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसराइल पैलेस्टाइन वॉर में अरब और जेविश ये लोग क्या कर रहे हैं। तो सिंपल समझाओ तो उस टाइम के अरब मतलब आज के पैलेस्टाइन और उस टाइम के जेविश मतलब आज के इजरायली लोग। अब देखिए, इनका झगड़ा सॉल्व होने के लिए यूनाइटेड नेशन ने यह पार्टीशन किया है और यूनाइटेड नेशन का काम ही ये है। अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे ना यूनाइटेड नेशन, तो आपको उनका मेन पर्पस दिखेगा, इंटरनेशनल पीस, जो कि इन्होंने पार्टीशन करके ये प्रॉब्लम को पीसफुल तरीके से सॉल्व कर दिया है। लेकिन अब जेविश क्या करते हैं, 6 महीने बाद मतलब कि 14 मई 1948 को इसराइल कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं और अरब पैलेस्टाइन वालों की कुछ जमीन इसराइल वाले हड़प लेते हैं और इसी से इनका पहला अरब इसराइल वॉर शुरू होता है और ये वॉर 1949 में ख़त्म होता है, जिसमें इसराइल की जीत होती है, पर 7.5 लाख पैलेस्टिनियंस बेघर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये टेरिटरी अब 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, स्टेट ऑफ इसराइल, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप अरब वालों की है और ये जो जेविश है इन लोग का इसराइल है। और इसके बाद भी इसराइल रुकता नहीं है, 7 साल बाद यानी कि 1956 में अपना सेकेंड अरब इसराइल वॉर स्टार्ट करता है। और इस बार ये अकेले नहीं होता, इसके साथ में ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल होते इस वॉर में और ये वॉर इजिप्ट पे किया जाता है। और ये सेकेंड वॉर भी इनका काफी फेमस वॉर होता है 1956 का, स्यूज क्राइसिस के नाम से। अब इसराइल के बाजू वाले कंट्रीज ये समझ जाते हैं कि ये इसराइल खतरनाक है, हम पर भी कभी भी वॉर कर सकता है, तो इसीलिए जॉर्डन, सायरिया और इजिप्ट एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। लेकिन इसके 11 साल बाद भी इसराइल रुकता नहीं है, अपना थर्ड अरब इसराइल वॉर शुरू करता है 1967 में। और इंटरेस्टिंगली ये वॉर भी काफी फेमस वॉर होता है, 6 डेज वॉर के नाम से और जून वॉर के नाम से भी। और इस थर्ड वॉर में भी इसराइल जीत जाता है और सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, जेरूसलम और गोलन हाइट्स, इन पांचों को कैप्चर कर लेता है। और यही सबसे बड़ा पॉइंट बनता है अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का। अभी तक तो इसराइल हर एक वॉर जीत रहा था, लेकिन 6 साल बाद
चौथा अरब इसराइल वॉर शुरू होता है, जो योम किपुर वॉर और अक्टूबर वॉर के नाम से फेमस होता है। और इस बार इजिप्ट और सायरिया इसराइल पर सरप्राइज अटैक करते हैं अपने खोए गए टेरिटरीज को वापस पाने के लिए। इस वॉर से कुछ खास फायदा तो नहीं होता किसी को भी, लेकिन इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर अल सदत इस वॉर को अपनी जीत घोषित करते हैं, क्योंकि इजिप्ट और सायरिया को अपने खोए गए टेरिटरीज पे एक और बार बातचीत करने का मौका मिलता है। अब आता है ईयर 1978। ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को, और सितंबर 1978 को इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर अल सदत और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगिन दोनों मिलके कैंप डेविड एकॉर्ड्स की ट्रीटी साइन करते हैं। ये काफी फेमस ट्रीटी होती है, कैंप डेविड एकॉर्ड्स, मतलब कि अब जाके फाइनली ये पीस ट्रीटी साइन हो चुकी है, अब तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये ट्रीटी से इसराइल और इजिप्ट के रिलेशनशिप कुछ हद तक तो इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन पैलेस्टाइन जो बेघर हो गए हैं उनकी और इसराइल गवर्नमेंट की बिल्कुल भी बनती नहीं है। अब कुछ साल बाद 1987 में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के कुछ पैलेस्टीनियंस इसराइल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और इस मूवमेंट को नाम पड़ता है फर्स्ट इंटीफिडा। और ये प्रोटेस्ट 1987 से 1993 यानी 6 साल तक चलता है। आखिरकार 1993 में इस प्रोटेस्ट का फायदा ये होता है कि अब गाजा और वेस्ट बैंक जिस पर इसराइल की गवर्नमेंट थी, अभी इनको खुद की गवर्नमेंट मिल जाती है। इस मूवमेंट को भी नाम दिया गया है ऑस्लो फर्स्ट एकॉर्ड्स। इसके दो साल बाद यानी 1995 में ऑस्लो फर्स्ट एकॉर्ड्स में एक और प्रोविजन ऐड किया जाता है इजिप्ट के साइड से कि इसराइल को वेस्ट बैंक के 6 सिटीज और 450 टाउन्स को फ्री करना पड़ेगा, यानी आजाद करना पड़ेगा, और इस प्रोविजन को ऑस्लो 2 एकॉर्ड्स नाम दिया जाता है। अब आता है ईयर 2000। इसराइल अभी भी वेस्ट बैंक पर अपना कंट्रोल जमाए रखता है। अब पैलेस्टाइन्स भड़क उठते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड इंटीफिडा, जो कि 2000 से 2005 तक चलता है। कुछ लोगों को इंटीफिडा ये वर्ड नहीं समझ आया होगा, एक्चुअली ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब अपराइजिंग होता है। अपने लैंग्वेज में बताऊं तो आंदोलन समझ लो। अब इसके जवाब में इसराइल गवर्नमेंट वेस्ट बैंक के पास में एक दीवार खड़ी करने का फैसला करते हैं, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये दोनों इसराइल के डिसीजन के खिलाफ होते हैं। अब आती है 2006 में हमस की बारी। वैसे तो हमस 1987 में एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन 2006 में हमस पैलेस्टाइन के पार्लियामेंट इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन हमस के इस इलेक्शन विक्ट्री को मानते ही नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से हमस एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमस के जीत की वजह से फतह को गुस्सा आता है। फतह एक ऑपोजिशन पार्टी है हमस के अगेंस्ट, जैसे अपने इंडिया में बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस की पार्टी है। अब इन दोनों के बीच 2006 से 2011 तक बहुत लड़ाइयाँ होती है, लेकिन फाइनली 2014 में फतह हमस के साथ मिलकर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाने का फैसला लेता है। अब हम आते हैं मई 2018 में, जब एक बार फिर हमस और इसराइल के बीच वॉर होता है, जो कि 2014 के बाद का सबसे खतरनाक वॉर माना जाता है, जिसमें गाजा 100 से भी ज्यादा रॉकेट्स इसराइल पे फायर करता है। इसके बदले में इसराइल 24 घंटे के अंदर अंदर गाजा स्ट्रिप पे वापसी हमला करता है। और 2020 में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए हमस और इसराइल के बीच में। अब फाइनली आते हैं 7 अक्टूबर 2023 पे, पिछले पूरे 76 इयर्स में अभी तक का सबसे बड़ा अरब इसराइल वॉर। और वैसे देखने में तो ये वॉर हमस ने किया है, लेकिन सच तो ये है कि इस वॉर में ईरानियन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने डायरेक्ट हेल्प किए हमस को इसराइल पे वॉर करने के लिए। और यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ये स्टेटमेंट दिया है कि हम इसराइल को सपोर्ट करेंगे, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी यहाँ पर मीटिंग बुलाई है। अब आते हैं हम हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन पर कि अरब इसराइल वॉर से हमारे इंडिया पर क्या फर्क पड़ता है। तो भाई फर्क पड़ता है अपने इंडियन इकोनॉमी पर, क्योंकि मोस्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस देखने मिले हैं इस वॉर की वजह से, और एक बड़ा इंपैक्ट ऑयल की प्राइसेस पे भी पड़ता है, क्योंकि हम ज्यादातर ऑयल रशिया और मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज से मंगाते हैं, जिसमें इसराइल भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।